Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak and let us start for today's session. So we were discussing the chapter Principle of Inheritance and Variation, and in this today's video we will be discussing about pedigree analysis. So let us start. The first question that arises is, what is a pedigree? So a pedigree can be a table, chart or diagram that represents the ancestry of an individual. Roots की बात यहाँ आ जाती है. हम कहते हैं कि हमारे roots हमारे ancestor में है. अब इसी को जब हम साइंटिफिकली अपने सारे एंसेस्टर्स को ट्रैक करके एक चार्ट बनाते हैं कि हम हमारा ओरिजिन किससे हुआ था, एंसेस्टर कौन है, उनका एंसेस्टर कौन है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज द पेडिग्री चार्ट ऑफ द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप. हीमोफीलिया डिजीज हमने पढ़ी थी, तो क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी और उनसे किन किन लोगों को या यूरोप की किन किन फैमिलीज में ये बीमारी फैली. Hemophilia got spread. So this is the representation of this disease. तो ये एक प्रकार का pedigree है. Okay, तो as I said, chart, diagram और table, जब पूरा ancestry आप represent करेंगे, that is called as pedigree. Now, why we are studying pedigree in principle of inheritance? The basic reason behind that is, it is used to study the pattern of inheritance of genetic disorders. Say for example, we speak of this disease. तो जब हमने एंसेस्टर्स को ट्रैक किया, वी हैव सीन दैट मैनी ऑफ द मेल हैड डाइड इन यूरोप बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. हम रॉयल फैमिलीज की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की ही रॉयल फैमिली की बात करें तो बहुत सारे जो मेल प्रोजेनीज सक्सेसिवली आई, मैनी ऑफ देम डाइड ड्यू टू दिस डिजीज. तो इसके पीछे का जब किसी को ये लगा कि चलो ट्रैक किया जाए कि ये डिजीज आई कहाँ से और इसी फैमिली में क्यों कॉमन है, तो बेसिकली पेडिग्री का जो यूज है, इट इज यूज टू स्टडी द पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. मतलब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरीके से इनहेरिट हो रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है, मेल को ज्यादा इफेक्ट करती है, फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करती है, क्या दोनों को बराबर इफेक्ट करती है, ये सब स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री को यूज करते हैं. तो इट्स बेसिक एप्लीकेशन इज, इट इज यूज टू फॉर द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द फैमिली. अब यहाँ पे एक चीज कॉमन नहीं है, जब व्हेन वी स्पीक ऑफ करियर तो हम काउंसलिंग की बात करते हैं. सिमिलरली व्हेन वी स्पीक ऑफ मैरिज, देयर आर जेनेटिक काउंसलर्स विच आर वेरी प्रोमिनेंट इन द फॉरेन कंट्रीज. अब वहाँ पे फॉरेन्स में क्या है बेटा, जेनेटिक काउंसलर्स करके भी एक पोस्ट होती है. से फॉर एग्जाम्पल कोई कपल शादी करना चाहता है, अब दे वॉन्टेड टू नो बिफोर द मैरिज दैट जो उनकी प्रोजेनी आएगी क्या उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटीज हैं, तो उसके लिए ये जाएंगे जेनेटिक काउंसलर्स के पास जो इनके जीन्स की डिटेल स्टडी करेगा, इनका पेडिग्री चार्ट बनाएगा, एंसेस्टर्स की तरफ जाएगा कि कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो वहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी और इनके बच्चों को हो सकती है. तो दैट इज ऑल द जॉब ऑफ जेनेटिक काउंसलर. नाउ हाउ डू वी स्टडी पेडिग्री? तो वी स्टडी पेडिग्री इन दिस मैनर. तो इन द पेडिग्री चार्ट, मेल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर बॉक्स. Speaking of female, it is represented by a circle. In case if the sex is unknown, we are not known about the person's sex, then it is represented by this symbol. Give me a moment. So this symbol represents the unspecified sex. Now, any of these boxes are having red color inside them. That simply means that all of these individuals are affected. So ye sab batate hain ki ye sab affected hain. Now, this is represented, this represents a male and this represents a female. अगर इनके बीच में सेंटर से ऐसे लाइन ज्वाइन करती है, that means they are getting married or they are married. तो ये दिखाता है इनकी मेटिंग को. और अगर इसी के बीच में डबल लाइन है तो ये दिखाता है कि that is consanguineous mating, मतलब relatives के बीच में ही मेटिंग है. तो इस केस में याद रखना, डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं when there is mating between the relatives. अब इस वाले पैटर्न को अगर आप देखें तो ये दिस रिप्रेजेंट्स द पेरेंट्स एज वेल एज प्रोजेनी. तो ऊपर देखिए आपको पेरेंट्स, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, ये मेटिंग का साइन हो गया. अब इनकी जो प्रोजेनीज है उनको नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस द ऑर्डर ऑफ बर्थ वो हमेशा लेफ्ट से लिया जाता है. दैट मीन्स दिस गर्ल इज दियर फर्स्ट चाइल्ड एंड फॉलोड बाय अ सन. ओके, इस चार्ट को देखिए अगर आप, तो इफ यू विल सी मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल हैं बेटा, और जो उनकी प्रोजेनी है, हियर इट इज अ सन एंड ही इज इन्फेक्टेड विद अ डिजीज. तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, पेरेंट्स नॉर्मल है और इंडिविजुअल अफेक्टेड है. और लास्ट सिंबल
बॉक्स के अंदर फाइव, ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी कपल के पांच प्रोजेनीज हैं और पांचों के पांच अनअफेक्टेड हैं, मतलब किसी को भी वो जेनेटिक डिजीज नहीं है। ओके कुछ तरीके हैं इन पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ने के। से फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ पेडिग्री हैं, बहुत ही सिंपल से पेडिग्री सामने दिखाए गए हैं। अब इस पेडिग्री को देख के हमें क्या समझना है, वो समझने के लिए कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान देनी है कि कैसे पता लगाएंगे कि कोई पेडिग्री किस डिजीज को रिप्रेजेंट करती है। इफ यू रिमेंबर, वी हैव स्टडीड सिकल सेल एनीमिया, एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। हमने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, वो कैसा डिसऑर्डर था, दैट वाज अ सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। तो हमें कैसे पता लगता है पेडिग्री को देख के कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है? तो याद रखना, अगर सेक्स क्रोमोसोम इफेक्ट हो रहा है, मतलब किसी इंडिविजुअल में कोई डिजीज इसलिए आ रही है क्योंकि उसका सेक्स क्रोमोसोम का कोई जीन डिफेक्टेड है, सो सच अ डिजीज इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ओके अगर सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए जो फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, अगर उनके जीन में डिफेक्ट होने की वजह से कोई डिजीज आती है तो हम उसे कहते हैं ऑटोसोमल डिजीज। सो दिस इज ऑटोसोमल एंड हेयर आई हैव मेंशन्ड सेक्स लिंक डिजीज। क्या कहा मैंने, अगर एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोजोम के किसी जीन में कोई डिफेक्ट आता है तो इसको सेक्स लिंक डिसऑर्डर कहेंगे, और यदि पहले के 22 पेयर्स में कोई डिफेक्ट आता है तो उसको ऑटोसोमल डिजीज कहेंगे। अब हर क्रोमोजोम पेयर में होते हैं, तो अगर उसके डोमिनेंट जीन को इफेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जीन है कैपिटल डी, उसके डिफेक्ट होने की वजह से डिजीज हुई तो हमने कह दिया उसको डोमिनेंट डिसऑर्डर, और उसके रिसेसिव जीन को अगर इफेक्ट करता है तो हमने कह दिया उसको रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके हाउ टू स्टडी, अब एक ट्रिक्स होती है समझने के लिए। अगर हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में मेल के इफेक्ट होने के चांसेस हाई रहते हैं कंपैरेटिवली। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट स्टिल मेल हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज। जैसे आप अभी लीव दिस वन, विल डिस्कस ऑफ दिस लेटर ऑन। अब यहाँ देखिए तो इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस द चांसेस ऑफ मेल गेटिंग इफेक्टेड इज हाई। अब क्यों है ऐसा, इसको समझते हैं। आपको पता है कि फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स, और मेल में जो क्रोमोसोम है एक्स वाई। ओके तो मेल में एक ही क्रोमोसोम है तो बहुत बार इनके डिजीज होने के चांसेस हाई होते हैं, हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ज़्यादातर ये जो केस होता है ये रिसेसिव के केस में लगता है। अगर कोई एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, तो ये हो गया कैरियर फीमेल और ये हो गया मेल। अब इसमें क्योंकि जब क्रोमो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनने के बाद एक गैमेट की पॉसिबिलिटी ये होगी एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव जीन आया है और इसको सप्रेस करने के लिए सामने दूसरा डोमिनेंट तो है नहीं, तो यहाँ पे मेल के चांसेस डिजीज होने के ज़्यादा होते हैं। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर में अगर हम देखें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में सेक्स से लेना देना नहीं है, मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी मेल की डिजीज होने की है उतनी ही फीमेल की है। सो बोथ चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड इज इक्वल, दैट इज 50-50%, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। अगर डिसऑर्डर डोमिनेंट है, लिसन दिस केयरफुली, इफ द डिसऑर्डर इज डोमिनेंट वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव डिसऑर्डर। अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो उनमें से पेरेंट किसी एक पेरेंट के पास तो वो डिसऑर्डर होना ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे दोनों केसेस देख लीजिए, सी दिस केस एंड दिस केस। डोमिनेंट डिजीज में दोनों में से कोई ना कोई एक पेरेंट तो डिजीज होना ही चाहिए, तब हम उस पेडिग्री को डोमिनेंट कहेंगे। ओके और अगर डिसऑर्डर रिसेसिव है तो दोनों पेरेंट्स में से कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस का मतलब दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे बेटा। ओके जैसे सिकल सेल एनीमिया में कहते हैं ना कि बोथ द पेरेंट शुड बी कैरियर, ओनली देन द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। तो दोनों पेरेंट्स में से किसी को डिजीज नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव का केस देखिए, इसमें दोनों पेरेंट्स में से कोई भी डिजीज नहीं है। यहाँ पे ऑल्दो मेल को डिजीज दिखाया है बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इस केस को आप समझ सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में दोनों पेरेंट्स में से कोई भी डिजीज नहीं होगा। ओके अब आते हैं हाउ टू चेक ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब आपको देखना है कि कोई डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे? पहली बात तो याद रखिएगा कि इट इज नॉट रिलेटेड विद द सेक्स,
और ये जनरेशंस को स्किप नहीं करता है. अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट एंड इन केस वन पेरेंट इज अफेक्टेड 50% प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड. अब ये बातें क्या है इसको समझते हैं. तो इन फ्रंट ऑफ यू इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज दैट इज माइटोनिक डिस्ट्रॉफी. तो जिसमें हमारे मसल्स के ऊपर इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है ये. तो इस डिजीज में अगर आप देखेंगे तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कहा, तो सबसे पहले याद रखिए डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में कम से कम एक पेरेंट तो डिजीज होगा ही होगा. ओके तो एक पेरेंट इनमें से अफेक्ट होगा ही होगा. तो यहाँ पे कौन अफेक्टेड है, हेयर द फीमेल इज अफेक्टेड. ओके दूसरा इसका सेक्स से लेना देना नहीं है. तीसरा यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं होती है. जनरेशन स्किप होने का मतलब यह है बेटा कि अगर ये अगर मैं इसको फर्स्ट जनरेशन कह दूं, यहाँ पे इसको सेकंड जनरेशन कह दूं, यहाँ पे मैं इसको थर्ड जनरेशन कह दूं, तो दिस इज द मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल वेयर द फीमेल इज अफेक्टेड. तो इनकी प्रोजेनीज में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सन और एक डॉटर इक्वली अफेक्टेड हो गए हैं. तो ये तो होता है आपका ऑटोसोमल की निशानी है कि सेक्स स्पेसिफिक नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेल कोई होगा या फीमेल कोई होगा. अब अगली जनरेशन में देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन थी, डिजीज आपको दिखी, सेकेंड जनरेशन में भी डिजीज दिखी. अब ये तो नॉर्मल, ये तो दिस सन इज नॉर्मल, इसको छोड़ देते हैं. यहाँ देखिए दिस अफेक्टेड फीमेल मैरीज अ नॉर्मल मैन और देखिए फिर यहाँ पे डिजीज आ गई. तो हर जनरेशन में आपको क्या होगा, डिजीज दिखेगी. तो वो डिजीज कैसी होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होगी. ओके अब ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक डोमिनेंट में एक फर्क कैसे करते हैं, वो करते हैं बेटा सेक्स के बेसिस पे. कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होगी मेल और फीमेल, मतलब सन और डॉटर दोनों को इक्वल चांस रहेगा डिजीज होने का. आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स में. तो दिस अकर्स इन बोथ द सेक्सेस विद इक्वल जन फ्रीक्वेंसी. तो ये दोनों सेक्सेस में होता है, किसके साथ, इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ. तो ये रिसेसिव की निशानी है, ये ऑटोसोम की ही निशानी होती है. ट्रेट स्किप जनरेशन इफ बोथ पेरेंट आर हेटरोजाइगस 1/4 ऑफ प्रोजेनीज आर इफेक्टेड. सॉरी यहाँ पे ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा, दैट इज प्रोजेनी. तो ट्रेट स्किप जनरेशन का मतलब क्या है, अब यहाँ से समझते हैं. इन फ्रंट ऑफ यू दिस बी रिप्रेजेंट्स द सिकल सेल एनीमिया पेडिग्री. तो वी नो दैट सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. देखो सबसे पहला फीचर क्या देखना है, फर्स्ट जनरेशन को देखो या पेरेंट्स को देखो, तो नन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड. दोनों में से कोई भी पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, दोनों नॉर्मल है, किसी में डिजीज नहीं दिख रही है. ओके बट ये दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे, या एटलीस्ट द मदर शुड बी कैरियर. कोई एक तो, नॉट द मदर, एनी वन ऑफ देम कैन बी कैरियर. ओके हेट्रोजाइगस हैं, किसी ना किसी में जीन है दोनों में डिजीज के, बट वो जीन कैसा है, रेसेसिव है, इसलिए दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है. तो फर्स्ट जनरेशन में देखिए अगेन चांसेस क्या है, दोनों सेक्सेस में हो रहा है, मेल और फीमेल को इक्वली इफेक्ट कर रहा है. दे हैव फोर प्रोजेनीज, आउट ऑफ 50% आर नॉर्मल. बचे हुए 50% में भी 50% मेल को डिजीज है और 50% फीमेल को डिजीज है. तो ये ऑटोसोम की निशानी है. ओके पेरेंट्स में से दोनों में से किसी को डिजीज नहीं है और प्रोजेनी में डिजीज है, तो ये हो गया रेसेसिव का फीचर. अब हमने कहा कि ये ट्रेट जनरेशन को स्किप करता है, इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट जनरेशन में किसी को भी डिजीज नहीं थी तो ये नॉर्मल रहे. अब इसमें सेकेंड जनरेशन में डिजीज आ गई. अब यहाँ पे देखिए वन ऑफ द सन वॉज अनअफेक्टेड, यहाँ डिजीज नहीं है बट इसकी नेक्स्ट जनरेशन में आ गई. तो क्या हो रहा है कि एक एक जनरेशन को छोड़ के डिजीज अपीयर हो रही है. दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल रिसेसिव एंड दिस इज फॉर द सिकल सेल एनीमिया. अब आते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव. ये आपके सिलेबस में थ्योरी पोर्शन में तो नहीं है बट लेट अस स्टडी देम ऑल्सो. तो एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या है, अब डोमिनेंट का फीचर क्या होगा कि सारी प्रोजेनी अफेक्टेड होंगी. अब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सारी प्रोजेनी ही अफेक्टेड हो, सारी प्रोजेनी तब अफेक्टेड होंगी तब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे, बट आप देखेंगे कि मैक्सिमम प्रोजेनीज इनकी अफेक्टेड होंगी होंगी. अब यहाँ पे एक चीज समझना है, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं. अफेक्टेड फादर विल पास ट्रेट टू द डॉटर. तो फादर से ट्रेट किस में जाएगा बेटा, डॉटर में, और मदर से किस में जाएगा, सन में जाएगा. तो अपोजिट सेक्स में ट्रेट पास हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, हेयर द मेल इज डिजीज्ड. ओके मेल में डिफेक्ट है और मेल से ये डिजीज किस में गई, देखो इट इज पास टू द फीमेल. अब क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज है, डोमिनेंट जीन में है, एक्स के भी डोमिनेंट जीन में है बेटा. सपोज करो
दिस इज द डोमिनेंट जीन, अब इसमें भी है, तो ये जीन जिस भी इंडिविजुअल में जाएगा वो हमेशा क्या होगा, डिजीज्ड होगा। ओके, से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पे ये ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल अब ये डोमिनेंट में डिजीज है, अब ये जीन जब इससे कंबाइन करेगा तब भी डिजीज आएगी, इससे कंबाइन करेगा तब भी डिजीज आएगी। ओके, बट एक्स लिंक डोमिनेंट में बेसिकली फादर से ये डिजीज किस में जाती है, डॉटर में जाती है। ओके, और मदर से किस में गई, सन में गई। दिस इज द एग्जाम्पल। फिर आते हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के ऊपर। अब रिसेसिव है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिख रहे हैं एक्स लिंक रिसेसिव के, तो मोर मेल्स आर अफेक्टेड देन फीमेल्स। अब यहाँ पे उल्टा होता है, डोमिनेंट में आपने देखा कि फादर से डॉटर में गया तो यहाँ पे आपको फीमेल्स के अफेक्टेड होने के चांस ज्यादा दिखे, बट रिसेसिव में आपको मेल्स के अफेक्ट होने के चांस ज्यादा दिखेंगे। अनअफेक्टेड मदर हैव अफेक्टेड सन, अगर सीधी सी बात है, हीमोफीलिया को याद करो, मदर से किस में जाता है, मदर कैरियर रहती है तो किस में जाएगा, सन में जाएगा, तो अगेन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ भी शो करता है। डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर, अब फादर से जीन किस में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है, बट यहाँ पे डॉटर क्या है, कैरियर्स हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द पेडिग्री। सो इनके दैट इज ऑल फॉर टुडे, इन केस ऑफ एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो, थैंक यू।